नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी आईपीएल चल रहा है। कई टीमें अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, कई टीमों का परफॉर्मेंस डाउन भी जा रहा है। अभी की अगर बात करें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कर रही है। इस आईपीएल में दो हाईएस्ट जो रन बनाए गए हैं वो सनराइजर हैदराबाद के द्वारा बनाए गए, और आईपीएल के इतिहास के सबसे टॉप परफॉर्मेंस है। बात करें अभी सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टीम की तो उनका नाम आएगा मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की टीम अभी जो पहले आज से कुछ समय पहले तक देखे कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी। रोहित शर्मा कैप्टन थे जिनके, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था, हर खिलाड़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। आने वाले 2020 माफ़ करिएगा, जैसे जो 2020 आखिरी जो आईपीएल टाइटल मुंबई इंडियंस को गया था, उसके बाद में 3 साल से कोई टाइटल उनके पास आया नहीं है। इस साल आईपीएल शुरू होने से पहले मुंबई इंडियंस की कप्तानी जो है वो हार्दिक पांड्या को दे दी गई थी। हार्दिक पांड्या को कप्तानी देने का एक मतलब ये था कि मुंबई इंडियंस की टीम कुछ नया देखना चाहती थी, कुछ नया करना चाहती थी कि कोई नए व्यक्ति को आगे के लिए हम आगे बढ़ाया जाए। रोहित शर्मा जो है अब वो थोड़ी एज की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा वक्त हो रहा है उन्हें, तो एक नए कैप्टन की तरफ हर टीम ही अपने कैप्टन बदल रही है। जैसे मुंबई बात करें चेन्नई सुपर किंग की, तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने खुद अपने से आगे होके जो है कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को दी है, क्योंकि परफॉर्मेंस उनका चल ही रहा था, कैप्टनसी भी वो कर ही रहे हैं एक तरीके से, लेकिन एक अपना जो पद था वो उन्होंने आगे रुद्राज गायकवाड़ को दे दिया। वैसे ही जो है मुंबई इंडियंस की टीम ने भी अपना कैप्टन बदल के हार्दिक पांड्या को आने वाले वक्त के लिए तैयार किया। लेकिन जो मुंबई इंडियंस की एक फ़ैन फॉलोइंग है, जो रोहित शर्मा के फैन बेस, एक जो एक मेन बोले कि ग्रुप जो है वो हार्दिक पांड्या को जब से वो कैप्टन बने तब से ट्रोल कर रहा है। उनके ट्रोल करने का कारण है कि रोहित शर्मा को कैप्टन से हटा दिया गया है और हार्दिक पांड्या को दे दिया गया है। लेकिन उनके ट्रोल करने का एक तरीका होता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है, लेकिन किसी को उसके रंग के आधार पे, उसके लुक्स के आधार पे या उसके दिखावे के आधार पे आप उसे ट्रोल नहीं कर सकते। हार्दिक पांड्या हमारे इंडियन टीम के सबसे होनहार खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, और कई वक्त कई जगह पर उन्होंने हमारी टीम को जिताया भी है। जब पूरे स्टार्ट के 4 प्लेयर अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो बागडोर जो है वो हार्दिक पांड्या ही संभालते हैं। हमारे देश के जो मुंबई इंडियंस का फैन बेस है उनको ये चीज़ भी दिखती है कि वो हमारे देश का खिलाड़ी है, वो किसी दूसरे देश का नहीं, हमारे देश का खिलाड़ी है। वो हमारे देश के लिए परफॉर्मेंस भी दिए और हमारे इंडिया टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, और आने वाले वक्त में हार्दिक पांड्या ही इंडियन टीम के कैप्टन होंगे। लेकिन किसी आप माना कि आप रोहित शर्मा को चाहते हो, लेकिन हार्दिक पांड्या ने भी आपके मुंबई इंडियंस को कई बार मैच जिताए हैं, मैच जीतो पारियां खेली है, कई अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। लेकिन उस व्यक्ति के लिए आप इतने गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हर मैच में उसे हंटिंग कर रहे हैं, कई बू कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि हार्दिक पांड्या जो है वो देश का खिलाड़ी है, ना कि किसी राज्य का खिलाड़ी है या किसी फ्रेंचाइजी का खिलाड़ी है, वो हमारे देश का खिलाड़ी है। लेकिन कहते हैं ना, जब मति भ्रष्ट हो जाती है तो इंसान क्या करता है क्या नहीं, ये उसे समझ नहीं आता है। हार्दिक पांड्या की बराबरी जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ से की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अभी कैप्टन बने हैं। तो उन लोगों को जो उस बात को लेकर हार्दिक पांड्या को ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि ऋतुराज गायकवाड़ के पीछे महेंद्र सिंह धोनी का सपोर्ट है। वो अपने जो उनका निजी एक अनुभव है वो साझा भी कर रहे हैं, टीम कैसे आगे बढ़े, कैसे खेले, कैसे सब चीज़ एमएस धोनी से वो पूछ रहे हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या के अगर बात करें तो रोहित शर्मा की तरफ से उसे कोई सपोर्ट नहीं है, रोहित शर्मा कुछ आगे लेके अपना अनुभव साझा नहीं कर रहे हैं, उन्हें एक सपोर्ट जो चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें कैप्टनसी से हटा दिया गया है। मतलब आपके लिए टीम पहले नहीं है, अपनी कैप्टनसी पहले है। माना आपने लास्ट मैच में 100 बनाए हैं,
लेकिन उसके पहले क्या बनाए थे आपने? रन बनाना काफ़ी नहीं होता है, टीम को एक स्पिरिट देना, टीम को मोटिवेट करना, ये भी आपका खास होता है कि अपन कैप्टन जो है आपकी कंडीशन में उसे सपोर्ट करे, उसे आगे बढ़ाए, वो मैच जीते। लेकिन मुंबई इंडियंस के जो रोहित शर्मा के फैन बेस है वो ये बात नहीं सोच रहे। चेन्नई अगर जीत रही है तो वो ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टेंसी प्लस महेंद्र सिंह धोनी का अनुभव उस वजह से जीत रही है, और हार्दिक पांड्या अगर हार रहे हैं तो सिर्फ पूरा जो एक कहते हैं कि एक प्रेशर जो है हार्दिक पांड्या ने पूरा अपने ऊपर ले रखा है, क्योंकि उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। तो ये बात कहना चाहूँगा मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों से कि रोहित शर्मा को पसंद करते हो वो बात अच्छी है, लेकिन एक हमारे देश के नए खिलाड़ी के लिए इतने गलत तरीके से उसे क्रिटिसाइज़ करना, उसे बू करना, या जो भी है आप जो करते हैं गलत है। ये मत देखिए कि वो फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहा है, ये देखिए वो हमारे देश के लिए भी खेल रहा है। मेरी बात अगर आपको ठीक लगे, समर्थन करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और आप कुछ गलत लगाओ तो कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।